थोड़ा सा बेंच बढ़ा दीजिए, जरा बेंच थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाँ सामने जी, थोड़ा सा माहौल चेंज कर रहा हूँ मैं। रे हाँ, एक बात बताता चलूँ आपको, ये मेरा बेटा है जिसका नाम है गुलखान, और ये दोनों मेरे भतीजे हैं यानी मेरे नेफ्यू हैं, ये भी मेरी औलाद है। अब आप सुने, हुस्न देता है, हुस्न देता है दावते जलवा, हुस्न देता है दावते जलवा, ये पर्दे उड़ उड़ के देखते हैं मुझे, और कितना बदनाम हो गया हूँ मैं, ये लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे, कितना बदनाम हो गया हूँ मैं, ये लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं चांदनी। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। हाँ, ये मेरे छोटे भाई, इन्होंने कहा कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। मगर ये बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं कि अब जमाना बदल गया है। अब जमाना क्या आ गया है, अब जमाना बदल गया है, अब जमाना क्या आ गया है, मैं इनके शेर का जवाब दे रहा हूँ कि चांदनी चांद से होगी, ये चांदनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, चांदनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, ये चांदनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, और मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा। एक बात बताता चलूं मैं नौजवानों को कि इस इन शेरों का, इस कवाली का सूफी कवाली से कोई ताल्लुक नहीं है, ये समझ रहे हैं आप, जब भी आप सोच रहे शायद ये भी सूफी कवाली होती है, ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए अंदाज पेश कर रहा हूँ, तवज्जो। एक हसीना के जख्म पर मरहम लगाने हम गए, एक हसीना के जख्म पर मरहम लगाने ये गए। तुम क्यों नहीं गए भाई? भाई आप मेरे चाचा हो, मैं आपके साथ कैसे जाऊंगा? ये आपको हंसाने के लिए, एक हसीना के जख्म पर मरहम लगाने हम गए, मरहम न मिला, मरहम की कसम, मरहम की जगह मरहम गए, मरहम न मिला, मरहम की कसम, मरहम की जगह मरहम गए, चांदनी की हंसी निशाओं में, 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 शहर से दूर एक गांव में, शहर से दूर एक गांव में, मेरी नजर में जान फेंका, हाथ में डोल सर पे मटकी थी, हाथ में डोल सर पे मटकी थी, शाखे अंगूर लस्की लस्की थी, शाखे अंगूर लस्की लस्की थी, खिल रहे थे गुलाब गालो पर, खिल रहे थे गुलाब गालो पर, और बादलों का सुबह था बालो पर, उसने चुप कर मुंह देखी, हाय हे वाले जी करूं ये सलाम किया, मैंने चुप कर मुंह देखा, उसने मुड़कर मुंह
मुझे जवाब दिया, फिर मैंने कहा क्या मेरे रश्के नवरे, मेरे रश्के नवरे तूने पहली नजरे, मेरे उसके कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ये ऐसा मिली नौजवानों के मतलब का है, जब नजर से मिलाई मजा, खुल जाओ खुल जाओ, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जोश नहीं दिख रहा मुझे जोधपुर वालों में, जब नजर से मिलाई मजा, क्या बात है, किस किस की नजर में हाथ उठा के दिखाए, क्या बात है, जो नजर दिल के आर पार हो जाए, क्या बात, जो नजर दिल के आर पार हो जाए वो ही दिल का करार हो जाए, क्या बात है, जो नजर, अगर आप तालियों का रिस्पॉन्स दोगे तो जब ही गाने मजा आएगा गाने वाले को, क्या बात है, जो नजर दिल के आर पार हो जाए वो ही दिल का करार हो जाए, आईना अपने सामने से हटा ये ना हो तुझे खुद से प्यार हो जाए, है? मेरे रश के कामा तूने पहली नजर, जोश नहीं दिख रहा मुझे जोधपुर वालों में, पीछे तक से आवाज आना चाहिए, बेटे ठंड लगना चाहिए, लगना चाहिए कि जोधपुर में हम गा रहे हैं, और मेरे रश के कामा तूने पहली नजर, मेरे रश के कामा तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई नजर से मिलाई जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई और आग ऐसी लग गई। देखिए अल्लाह ना करे भगवान ना करे जो किसी के घर में आग लगे, लेकिन शायर का अपना ख्याल है, उसने आग के लफ्ज को देखिए कहाँ इस्तेमाल किया है, तो आग के मुतालिक दो अशआर पेश कर रहा हूँ, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, भगवान ना करे जो किसी के आग लगे, शेर सुन लीजिए कि लग गई आग मेरे घर में, लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है और बच गया मैं तो समझ लो कि जला ही क्या है, एक शेर और आग के मुतालिक पेश कर रहा हूं कि कहने को तो कह दूं कि जला कुछ भी नहीं है, क्या बात,
कहने को तो कह दूं कि जला कुछ भी नहीं है, जला कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई मगर ये है कि बचा कुछ भी नहीं है। माफ फरमाइए कि जवानी से जवानी तो इसी गजल में टकरा सकती है, सूफी कमाली में जवानी से जवानी नहीं टकराती है, बल्कि रूह से रूह टकराती है, यानी आत्मा से आत्मा। इसलिए ये कवाली बिल्कुल सूफी कवाली ना समझे, खास तौर से जो नौजवान है। हाँ, बेही जाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गए। आप लोग बोलोगे बेही जाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से। अब शेर सुने, जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, अजी जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, अजी जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के चेहरे उतर गए। और कथा इसमें सुनाऊंगा, जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के चेहरे उतर गए, उन्हें देखते ही थी पलटी नजर, उन्हें देखते ही पलटी थी नजर, ऐसा लगा कि जमाने गुजर गए। हमारी कुछ मोहतरमा कुछ लेडीज हैं जो यहाँ डांस कर रही थी, मैं कैमरामैन भेज सकूँ थोड़ा दर जाए तो आपको देखकर नहीं, देखिए लेडीज के लिए जो शेर कहा जाएगा वो अदब के दायरे में कहा जाएगा। मैं आपका आपको देखकर एक शेर याद आ गया कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। अरबी में रोशनी को कहते हैं तनवीर। क्या बात है कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, और जैसे इश्क बोलता है उसकी ये तफसीर है, और देखने वाले आपको कह रहे थे देखकर कि वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हाँ भैया, हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप? जो जा रहे हैं आने के लिए जा रहे हैं, जाने के लिए जा रहे हैं, तो एक शेर कहना चाहूंगा। नहीं नहीं आप खड़ो के सुने,
एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, एक शेर सुन ले आप, आपका छोटा हूँ, छोटा समझ के माफ कर दे, क्योंकि खुशी का मौका है। जा रहे हो तो मेरी जान भी लेते जाओ, जा रहे हो, जा रहे हो तो मेरी जान भी लेते जाओ, गाने बजाने का सामान भी लेते जाओ। नशा क्या बात है ये, आप लिख के दीजिए। बहुत अच्छा शेर कहा आपने, बहुत अच्छा शेर सुन लिया साहब, आपके जोधपुर के हैं। एक ही वक्त में उसके आने से था चांदनी का चमा रोशनी का घुमा, हाथ में हाथ उसका वो ऐसा लगा जैसे हाथों में कोई गुलाब आ गया। मेरे रास्ते स्कूल में भैया आप शायर हैं क्या? आगे आइए, देखिए साहब ये शायर है, शायरों के लिए बड़ा खूबसूरत शेर पेश कर रहा हूँ मैं, कि दर्द क्या चीज है, क्या उसका मजा होता है, उससे पूछो कि जो दिन भर का थका होता है। दर्द क्या चीज है, क्या उसका मजा होता है, उससे पूछो कि जो दिन भर का थका होता है, कि शेर क्या है, किसी शायर के जिक्र से पूछो, अरे दो लकीरों में लहू दिल का भरा होता है। मेरे रस के जी पलकें तो भीग जाती है मेरी शबे तन्हाई में, पलकें तो भीग जाती है मेरी शबे तन्हाई में, कांप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान ना ले। क्या बात है, यूं भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुम्हें देख के पहचान ना ले। मेरे रस के क्या बात है, मेरे रस के